नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आइस नेटवर्क के वाईसी के फेज थ्री में काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, मैसेज आ रहा है, रिस्पांस आ रहा है, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं इसके क्वेश्चंस के रिलेटेड, प्लस कुछ लोगों का अकाउंट जो है वो डिसेबल भी हो चुका है। तो उसके बारे में भी इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जिनका अकाउंट डिसेबल हो गया है उनके लिए अब आगे क्या होगा, और जिनका KYC कंप्लीट हो गया है, जिन्होंने फेज थ्री का क्वेश्चन क्विज कंप्लीट कर लिया, उनके लिए आगे क्या होगा। ये सारी चीज़ों को हम लोग आज ऑफिशियली बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और जिसका KYC अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसने क्वेश्चन के क्विज को सॉल्व नहीं किया है, उनका मैं बताने वाला हूँ कि उनको क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। पहली बात तो उनको हमारे टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जहाँ से वो रीड आउट कर सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन को समझ के उसके हिसाब से वो अपना क्विज पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखिए हर किसी में हो क्या रहा है, जैसे कि आप कर रहे हैं तो आपके में दो से चार क्वेश्चन जो है डिफरेंट आ रहे हैं, कोई और कर रहा है तो दो से चार क्वेश्चन उसके में भी डिफरेंट आ रहे हैं, सब में थोड़े थोड़े दो तीन क्वेश्चन डिफरेंट आ जाते हैं, तो लोग एक का पढ़ते हैं उसके बाद सेकेंड में जाते हैं तो उनका क्विज जो है फेल हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, बहुत सिंपल सा है। पहली बात तो जितने क्वेश्चन आपको जहाँ से मिल रहे हैं आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ आप एक बार दी आइस डिसेंट्रलाइज फ्यूचर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप विजिट कीजिए, और वहाँ पे एक सेक्शन है, यहाँ पे दिखेगा नॉलेज बेस, ये वाला पार्ट नॉलेज बेस दिखेगा, आपको नॉलेज बेस पे जाना है। और नॉलेज बेस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ही नीचे ऑप्शन दिखेगा गेटिंग स्टार्टेड माइनिंग प्री स्टेकिंग फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन एंड न्यूज़, ये जो सेक्शन है चारों चार पांच, इन सबको आपको पूरा गो थ्रू कर देना है। जैसे कि प्री स्टेकिंग को मैं एक बार ओपन करके देखता हूँ, तो प्री स्टेकिंग में ही दोस्तों देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। सबसे पहला ये एक सवाल आता है कि ड्यूरिंग द फेज वन ऑफ द आइस प्रोजेक्ट यूजर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्री स्टेक देयर आइस एंड इंक्रीज देयर माइनिंग रेट बाई 250%, ये सवाल उसमें आता। अगर आप इसको पढ़े रहेंगे, इसकी जानकारी रहेगी, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि 250% अप टू इसकी जो है स्टेकिंग होती है। उसके अलावा इसमें दो तीन क्वेश्चन के और आंसर यहीं पे मिल जाते हैं। ये देखिए, देखिए क्या है, आइस स्टेकिंग पीरियड जो फेज़ वन स्टार्ट हुआ था मेन नेट के पहले, उसके बारे में भी आपको यहाँ से अपडेट मिल जाएगी कि फेस रिकॉग्निशन के थ्रू हुआ था, ये भी एक क्वेश्चन है। तो आप इन सारी चीज़ों को ना गो थ्रू करेंगे, एक बार आप पढ़ लेंगे, एक बार यहाँ पर भी देखिए ये भी है, इन द मेन नेट ड्यूरिंग द फाइव ईयर स्टेकिंग पीरियड एलाइज विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द नेटवर्क स्टेकिंग रिवॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल इफ एवरेज API फॉर द फाइव ईयर पीरियड इज 15% सी विल गेट एंड 75% रिवॉर्ड। ये सारी चीज़ें आपको रीड आउट करनी है। और ये भी एक क्वेश्चन था, आपने देखा होगा कि 16 hours पर आइस बेस माइनिंग है, डेली एक्टिविटी इतनी है, तो कितना परसेंट होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं दोस्तों, आपको सिर्फ यहाँ से इसको पढ़ना है, थोड़ा सा अपना समय देना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आइस के फेज थ्री KYC को पास नहीं करते हैं, उसके बाद माइनिंग में भी एक बार आके देख लेते हैं, यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर जो है मिल जाएंगे। देखिए, टू स्टार्ट अर्निंग आइस यू नीड टू चेक इन एवरी 24 hours, ये भी एक क्वेश्चन आता है उसमें, आपको हो सकता है आपके क्विज में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि आइस की अर्निंग स्टार्ट करने के लिए कितने आवर्स में चेक इन करना रहता है, तो ये 24 hours में है, इसका जवाब आपको यहाँ से ही मिल गया। उसके अलावा यहाँ पर कि माइनिंग रेट 16 per hour है, इफ़ यू माइन साइमल्टेनियसली विद ए फ्रेंड यू इनवाइटेड योर माइनिंग रेट विल बी 16 ice माइनिंग प्लस 4 ice 25% बोनस 20 ice पर आवर सेम फॉर योर फ्रेंड। ये भी देखिए अच्छा सवाल है कि 16 ice अगर आपको आ रहा है, आपका माइनिंग रेट है, और आपके फ्रेंड के साथ माइनिंग कर रहे हैं, और आपको 4 ice यानी कि 25% बोनस वहाँ से मिल रहा है, तो आपको 20 ice पर आवर सेम फॉर यू एज ए योर फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब यहाँ से आपको पढ़ के इसके जवाब मिल जाएंगे दोस्तों, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन आप लोग कलेक्ट कीजिए, और देखिए 13 से 14 दिन का टाइम है सभी के पास KYC करने के लिए, तो काफ़ी सारे लोग हैं वो एक दो तीन अटेम्प्ट तुरंत करते हैं, उनका अटेम्प्ट फेल हो जाता है और उनका पूरा आइस पॉइंट जो है जीरो हो जा रहा है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग मैं अभी आप लोगों को आगे अपडेट में बताने वाला हूँ कि करना क्या है एक्चुअली। सबसे पहली चीज़ तो उनके लिए मैं बताने वाला हूँ कि जिन लोगों ने आइस KYC को कम्प्लीट कर लिया है, जिन्होंने आइस KYC को कंप्लीट कर लिया है फेज थ्री के, जिनका जो वेरिफिकेशन है सक्सेसफुल हो चुका है, उनके लिए सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अगर आप KYC कंप्लीट कर चुके हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो है हो जाएगा इसी मंथ में। लेकिन उसके लिए दो कंडीशंस हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं इसी महीने में, तो आपका जो क्वाइन है, जो रिलीजिंग क्वाइन है, सपोज आपका अगर 25,000 क्वाइन है, आपको उसका 10% रिलीज होगा यानी कि 2,500,
उसमें से 30% क्वाइन जो है वो एज ए डिडक्शन फॉर फीस कट जाएगा आपका, और आपको सिर्फ 70% क्वाइन ही आपके वॉलेट में रिलीज़ होंगे। और अगर आप विड्रॉवल नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने एड्रेस को वहाँ से रिमूव कीजिए, अक्टूबर महीने में जब मेन नेट आएगा तो अक्टूबर में आपको पूरा का पूरा कॉइन वहाँ पे मिलेगा विदाउट एनी डिडक्शन। अगर आप अभी लेते हैं तो 30% डिडक्शन के साथ मिलेगा, और अगर आप अक्टूबर मेन नेट में लेना चाहते हैं तो विदाउट डिडक्शन आपको मिलेगा। तो ये आपकी च्वाइस है, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर इसमें अच्छी ग्रोथ देखनी है और इसमें अच्छा खासा बेनिफिट आपको क्रिएट करना है अपने लिए, तो एड्रेस को वहाँ से रिमूव करें, उसको विड्रॉवल के लिए ना जाएं, क्योंकि 30% फीस काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर आप उसको 4 से 6 महीने होल्ड करके रखते हैं तो बुल रन के टाइम पे हो सकता है आइस के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिले, और तब आपको आपके पूरे पूरे कॉइन मिलेंगे, तो वो आप वहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट अर्न कर सकते हैं। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप उसको रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जो उन्होंने KYC नहीं कंप्लीट कर पाए, या जिनका अभी कंप्लीट करना बाकी है उनका तो धीरे धीरे मैंने बता दिया उनको क्वेश्चन कहाँ से रीड आउट करने हैं, कैसे कैसे करना है। और जिनका फेल हो चुका है, जिनका KYC जो है फेल हो चुका है, जिन्होंने 3 से 4 बार ट्राई किया उनका KYC फेल हो गया, यहाँ पे देखिए लिख क्या रहा, माइनिंग डिसेबल्ड, उनका ये लिख क्या रहा होगा माइनिंग डिसेबल्ड। इसका मतलब क्या है, योर माइनिंग एसेस हैज बीन डिसेबल्ड ड्यू टू 3 consecutive क्विज फेलियर और द एक्सपायरेशन ऑफ द अलॉटेड टाइम एज रिक्वायर्ड बाई योर KYC प्रोसेस। अब माइनिंग डिसेबल वालों के लिए क्या है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरा तो माइनिंग डिसेबल हो गया, मेरा माइनस हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो दोस्तों आपके लिए सिंपल सा जवाब है, एज पर आइस टीम उन्होंने पहले ही कहा है कि एक बार जिसकी माइनिंग डिसेबल हो जाएगी उसका अकाउंट जो है परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, और उसका जो कॉइन है वो स्लाइसिंग होते होते टोटल सप्लाई में से रिड्यूस हो जाएगी टोटल सप्लाई। अब आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आप पहले ही क्लियर किया गया था कि सिर्फ 3 क्विज ऑप्शन मिलेंगे आपको, 3 में से आपको एक बार सक्सेसफुल करना है, 21 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। अब आपने बिना जानकारी के, बिना समझ के, बिना सोच के जल्दबाजी की, आप कंटिन्यूसली उसको 3 बार करें, आप फेल हो गए तो अभी आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, आपका ऐप जो है डिसेबल हो चुका है, आपकी माइनिंग परमानेंटली बैन हो चुकी है, अब आप आइस टोकन के माइनिंग भी नहीं कर पाएंगे, प्लस आपके पास जो टोकन पड़े हुए हैं वो स्लाइसिंग मोड के थ्रू धीरे 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 जीरो हो जाएंगे और आइस की टोटल सप्लाई में से स्लाइस होकर ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरह से, वो काउंटिंग में नहीं आएंगे। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आइस KYC क्विज को पार्टिसिपेट करने से पहले या उसको स्टार्ट करने के पहले पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहें, फुल्ली कॉन्फिडेंट रहें कि मैं इसको क्लियर कर लूँगा, तो ही आप क्विज में एंटर करें। अदरवाइज 6, 7, 8, 10 दिन का टाइम लें, आइस के ब्लॉग वाइट पेपर को पढ़ें, ब्लॉकचेन की वेबसाइट पर जाएं, जैसा मैंने अभी बताया वीडियो में कि आप वहाँ पर क्या क्या रीड करेंगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। अपने दोस्तों से हेल्प लें अगर उनको उनका कंप्लीट हो चुका है तो, और फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर DM करें, मैं वहाँ पर आपको असिस्ट जरूर करूँगा। तो ये 3-4 चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं, अगर आपने KYC कंप्लीट कर लिया तो आपको क्या करना है, नहीं कंप्लीट किया है तो क्या करना है, तो दोनों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। प्लस उसके अलावा दोस्तों कुछ एकाध और इन्फॉर्मेशन है कि जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो 1 go में KYC को कंप्लीट करने के लिए जाते हैं, एक बार उनका रॉन्ग हुआ तो वो सेकेंड अटैम्प्ट इमीडिएट ले लेते हैं, फिर थर्ड अटैम्प्ट ले लेते हैं। तो दोस्त ये सब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको पहले उसको समझना है। आप अगर कंटिन्यूसली करेंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम में जब आंसर नहीं आया जो 21 क्वेश्चन है, सेकेंड टाइम में भी लाजमी नहीं आने वाला है आपको, और थर्ड में भी नहीं आएगा बिना आप इसको स्टडी किए, बिना जाने, बिना समझे आप अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और काफ़ी सारे लोग हैं जो पैसे लेके भी KYC करा रहे हैं, पैसे लेके लोग 50 रुपीज़ 70 रुपीज़ लेके उनका जो है क्विज का वो करा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि कल को जाके आने वाले टाइम में फिर और कोई ऐसे कोई सिस्टम आएगा, फिर आप दूसरे पे डिपेंडेंसी रहेंगे। तो इससे बेहतर है आप अपना थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करें, वाइट पेपर को पढ़ें, पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ें और क्वेश्चन कलेक्ट करें मार्केट से, लोगों से, और उसके बाद आप इस क्विज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर जाएं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि आपको आइस में आगे करना क्या है और क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपसे शेयर करनी थी, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी अपडेट आएगी वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी, और अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।